अगर नीतीश में हिम्मत है तो अकेला चुनाव लड़के देख ले। जदयू नीतीशवा का 10 गो विधायक आरजेडी के संपर्क में है और भाजपा के ईवीएम के आप क्या चाहती है कि 5 राज्य में चुनाव हो और मोदी मूर्ख और अमित शाह मूर्ख बन करके 5 राज्य ईवीएम से जीत ले, तब तो जनता लंका दहन कर देगी। इसलिए एक दो छोड़ दो, जनता का पावर देख लो, बाकी को लूट लो। जितना नीतीश कुमार पलटी मारे उतना जहाँ तक से कि इतना लड़की लोग नहीं पलटी मारती है कि जितना ही पलटू मार दिए पलटी नीतीश कुमार सब सलम बेफा के उड़ा दिए हैं। अब था लग जाएगा नीतीश कुमार के, अब जाने वाले हैं भीतर, सीएम तो होने दीजिए, भीतर जाने वाले हैं। कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और कल जो एनडीए है उसको अपना बहुमत पेश करना है। लेकिन देखिए जो दावे हैं वो हर एक पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि खेला होगा कल, और इसी खेले के चक्कर में जो है तमाम पार्टियां अपने अपने विधायकों को एकजुट कर रही हैं। तेजस्वी यादव की आवाज़ के बाहर है और यहाँ पर आरजेडी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी और तमाम विधायक जो है वो पहुँचे हुए थे। आरजेडी के अलावा वाम दल के भी तमाम जो विधायक है वो भी पहुँचे हुए थे। सुबह से शाम हो गई है और अमूमन देखा जाता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो समर्थकों की भीड़ लग जाती है। यहाँ पर भी हमारे पीछे कुछ समर्थक हैं और आरजेडी समर्थक हैं ये तमाम लोग, और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे, क्या बात चल रही है। अंदर क्या चल रहा होगा आप लोगों को? तब भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, तब नहीं नौकरी दे पाए। जब तेजस्वी यादव आए तो 4.5 लाख नौकरी दी, ठीक नहीं दी, तो अब ये कुछ काम नहीं किया, उसका एक बहाना है राम। वो तो नौकरी दिया, नौकरी दिया सब जो भी दिया। अब इसको बता रहा हूँ, अरे एक बार हमारा जो यूपी में जहाँ राजद का नाम नहीं है उसको बताऊँ, एक यद कहीं जो ईवीएम के इनके समर्थन में करता हूँ, पायलट पे नगर पालिका पंचायत का चुनाव हुआ है और लालटेन से जीता, सीतापुर लालटेन से तंबौर चेयरमैन जीता है आरजेडी का जहाँ कुछ नहीं, जनता का कुछ नहीं है। मैं यूपी से हूँ, रामकिशोर बघेल मेरा नाम है, किसान सरकार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और भाई लालटेन से जीता है, वो थप्पा लगा के जो नहीं मतलब बैलेट पेपर से लालटेन से जीता है, राजद जीरा चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन है, आलम खान मौजूदा चेयरमैन है वहाँ का, आगे क्या नाम आप लोग कह रहे कि बैलेट पेपर से चुनाव ना, बैलेट पेपर तो होना चाहिए, हम तो हमारे बस का तो है नहीं कि हम बदल देंगे भी, लेकिन जनता चाह रही बैलेट पेपर से चुनाव हो। 84 करोड़ लोग अगर मोदी जी को, मोदी जी 5 अगर ईवीएम में, आप कर्नाटक में ईवीएम से चुनाव हुआ था वहाँ पर कांग्रेस जीत गई, तब तो आप लोगों ने नहीं कहा कि यही तो मैडम देश की आम जनता को समझना, मैडम जी यही तो देश की आम जनता को समझना है। एक बात बताइए, एक स्टेट दे दिए कि जाइए जाइए, खेला मत बताइए, यहाँ पूरे बिहार सतर्क है पलटू राम से। सुनिए, ईवीएम आप क्या चाहती है कि 5 राज्य में चुनाव हो और मोदी मूर्ख और अमित शाह मूर्ख बन करके 5 राज्य ईवीएम से जीत ले, तब तो जनता लंका दहन कर देगी। इसलिए एक दो छोड़ दो, जनता का पावर देख लो, बाकी को लूट लो। यही होता है, अगर यही नहीं होता है तो 83 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं आप देते हैं ना मोदी जी अमित शाह? 83 करोड़, 90 करोड़ लोग वोट देते हैं, 7 करोड़ लोगों को हटा दीजिए, 83 करोड़ लोग आपको चुनेंगे ना ईवीएम से चुनाव हटा करके, आप बैलेट से चुनाव करके देख लीजिए। मेरी बात सुनो, यदि ईवीएम समझ लीजिए, जितना नीतीश कुमार पलटी मारे उतना जहाँ तक से कि इतना लड़की लोग नहीं पलटी मारती है कि जितना ही पलटू मार दिए पलटी नीतीश कुमार सब सलम बेवफा के उड़ा दिए हैं। क्या बात करते हैं के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? बड़ी बात कैसे है जो नीतीश जी किए हैं, और देखे विधानसभा में क्या बोले, देखे कि नहीं विधानसभा में क्या बोले, बात को समझना चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्यों कह रहा था कि कोई आम आप कुछ देखिए, आप मीडिया भाई लोग, भाजपा भी कह रही थी कि हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, आए तो ले लिए, आपके पास आएंगे, आप भी कह रहे हैं कि नहीं लेंगे, आप भी लेंगे। मात्र 12 घंटा का टाइम बच गया, 12 घंटा रात 12 घंटा को, तो 10-11 बजे तक से तो मैं काम हो जाएगा। नीतीश कुमार अब आएंगे आप लोगों के पास तो नहीं रखे? ना कभी नहीं,
कभी नहीं, ना तो फिर यही बात कह रही थी, क्षति हो जाएगा, यही बात कह रही थी, फिर क्षति हो जाएगा। रख लिए ना, रख लिए ना, दिमाग काम नहीं, अब मेमोरी उनका पलटू का खत्म हो गया, मेमोरी उनका खराब हो गया, मेमोरी अब काम नहीं करता। गंजा पी के आते हैं, उनको पता नहीं है, हो गया नीतीश कुमार, नीतीश कुमार साहब मैडम को पता है, गंजा पीते हैं रात भर, गंजा पीते हैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री है वो, आपके आप ऐसी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है बेफाई लड़की, वो है मुख्यमंत्री नहीं है, किस बात को पलटी। रावण लंका का राजा था तो उसे राम कह दे क्या? नीतीश कुमार गंजेरी है, रात भर गंजा पीते हैं, वो भी खुल गया है, पेपर में पढ़े हैं, पेपर में कल के पढ़े हैं, तब पेपर में पढ़े हैं, दैनिक भास्कर में पढ़े हैं, हाँ बालगिरा वाला केस खुल गया है, इसीलिए गए थे मोदी जी के हैं, अमित शाह के हैं कि बचा लीजिए, बचने वाला नहीं है, या तेजस्वी यादव कब सरकार बनेगी ना, बनेगी ना, अब था लग जाएगा नीतीश कुमार के, अब जाने वाले हैं भीतर, सीएम तो होने भी, भीतर जाने वाले हैं, जान लीजिए। ये बौखलाहट आखिर क्यों है आरजेडी? बौखलाहट है, देश से पूरा हमारे बिहार गोल फ्लैट हो गया, नीतीश कुमार चले मोदी और अमित शाह में है, राम से पेट नहीं भरा तो पलटू राम को लेके गया, बौखलाहट तो मोदी और अमित शाह में थी कि राम से नैया पार नहीं लगी तो पलटू राम लेके गया, क्या बात कर रही हैं आप लोग भी, मीडिया वाले कम से कम लोग बोले, आप ही लोग बोले तो उनको नीतीश कुमार, हाँ तो पलटू को पलटू नहीं बोले तो क्या बोले, राम बोले हैं, क्यों रखना मजबूरी है ना, कि जो आप हमारे ऊपर गलत कीचड़, कौन से विधायक, आप कौन से विधायक संपर्क में, इतना बता दीजिए कौन से विधायक, जदयू के 10 विधायक संपर्क में है, लिखिए जदयू नीतीशवा का, नीतीशवा का 10 गो विधायक आरजेडी के संपर्क में है, और भाजपा के जो 78 या जो भी विधायक है ना निवासी, वो सब के सब देशद्रोही हैं। और आरजेडी के विधायक के बारे में भी, आरजेडी के विधायक, आरजेडी नहीं रहता तो नीतीश जी आज पलटी मारते हैं, आपको मालूम है नीतीश जी का हिस्ट्री मालूम है, ये जनता दल में ये सब एक साथ रहते थे, लालू जी ने इनको बढ़ाया चढ़ाया तो आज यहाँ आकर के पलटी मार रहे हैं, लालू जी के देन है, ये हकीकत है, बिहार के पॉलिटिक्स की राजनीति की हकीकत है, हाँ अरे दम पर तो जनता होती है, सबसे बड़ा तो जनता दम होता है, जनता ने तो 2020 में तो जस्टिस जी 125 सीट दी थी, जनता ने यादव के खिलाफ ही ना चुनाव लड़के आए थे सत्ता में, कौन नीतीश कुमार, किसके, नहीं 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 कोई किसी के खिलाफ नहीं लड़ता है, जनता के भी सब पार्टियां जाती है, सब कोई अपना बात रखते हैं, जनता को जो बात सुहाता है उसके हिसाब से निशान पे जाकर टिप देता है, ये प्रजातंत्र है। अगर नीतीश कुमार जी के इतना अगर है जनता समर्थन, तो हमारे तेजस्वी जी से नालंदा छोड़ के कहीं भी लड़ के देख ले, वो ऐसा मुँह के खाएंगे ना, जमानत इनका जब्त हो जाएगा जी। आज जनता के आक्रोश देख मैडम, आपने कहाँ कभी जीते हैं, विधानसभा कभी लड़े हैं, विधान पर नहीं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, खाली पलटी मारते हैं, पलटी मारते हैं ना, कोई आज तक एक अच्छा काम किया है, इसीलिए ना इनका सीट घट रहा है, सब जब से यहाँ है बिहार के सीएम बने जैसे इनका घटती जा रहा है, तब हाँ सीट हमेशा घटते रहा, आप देखिए डाटा, और इस बार 5 विधायक बस मर जाए, नीतीश जी पलटी मार के चल आते हैं, अभी भी नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ती है सत्ता में आने के लिए, हर पार्टी जरूरत नहीं पड़ती है, आके यहाँ कहते हैं कि पर हमेशा नीतीश कुमार को ही बैठाने के लिए हर पार्टी तैयार, पलटी टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग किया हुआ है NIT पटना से, हाँ सुनिए सुनिए हम बता रहे हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो रिस्टार्ट होने लगता है, तो अब से दिमाग जी का, नीतीश जी का दिमाग हैंग कर गया, विधानसभा में शेख से ज्ञान देने लगे तो रिस्टार्ट होने के लिए पलटी मार दिया, रिस्टार्ट हो रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि खेला सिर्फ नीतीश कुमार करना जानते हैं और कोई नहीं, अरे वो तो जब से बैठे हैं जैसे खेले कर रहे हैं, बचा बचाता है, एक बार उनको ले लिए थे, हाँ गलती एक बार हो गया लेकिन आप ना स्वीकार कैसे हम करेंगे, ना स्वीकार तो करने वाला, तीन बार होता है झूठ सबको, तीन बार, अब ये इसको दो बार तब तिवारा हो गया, दो बार कर चुका है मालूम है, तिवारा अब वो अलग विषय, हमारे हिंदू धर्म में तीन बार कहें भाई तुमको शादी में भी कहा जाता है तिवा चुक तुमको है ये कहा जाता है, तो वही वो किया, दो बार कर चुका, अब इस पर विश्वास खत्म है, एक बार और मौका दीजिएगा, अब तो हो गया उसका काम,
उसका मौका बिल्कुल नहीं, हमारी समस्या नहीं। और फिर नेता लोग जाने और जो हमारे भाई यहाँ के देश में अलग बात, हमारी समस्या कतई लेने नहीं, नहीं बड़े बड़े नेता लोग नहीं ये बात मानते कि नहीं। आप लोग कहिएगा कि हम नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे, कल तेजस्वी यादव से आके हाथ मिला लेंगे, सरकार बन जाएगा और करेंगे नहीं। अगर 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 ऐसा किया जाता है ना तो फिर राजद पे पर से भी जनता का जो विश्वास है ना वो उठना शुरू हो जाएगा, हकीकत यही है। ठीक है, अब ये अभी जो हो रहा है ये कुछ नहीं है, ईवीएम के वजह से ही, मात्र एक ईवीएम कारण है ना जिसके चलते नीतीश जी गए हुए हैं। और इसका रिजल्ट आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा, ईवीएम से कैसे खेला होता है, और 2025 में भी देखने को मिलेगा। अगर राजद की सीट घटती है 79-80 से, तो मतलब कि उतना ही जितना घटेगा उससे कुछ घटा बढ़ा करके नीतीश जी का सीट बढ़ाया जाएगा ईवीएम के माध्यम से, इसीलिए नीतीश जी नहीं तो एक सेकंड, ये बीजेपी और नीतीश जी एक माहौल बनाए हुए पूरे बिहार में 2005 से कि राजद जो है वो गुंडों की पार्टी है। तो गुंडों के साथ 17 महीना क्या करने आए थे नीतीश जी, जनता को जवाब दे दो, फिर हम लोग मान लेते हैं। जेडीयू महासचिव और सचिव लोग हमसे मिले हैं, लेकिन ये काम उन लोगों ने 2015 में भी किया था, याद होगा आपको। 2015 में जो गठबंधन जो चुनाव लड़ी थी उस समय नीतीश जी को कोई लाया नहीं था, वो भाजपा को मोदी के अगेंस्ट किए थे 2012-14 में, उसके चलते वो गठबंधन 2015 में बिहार विधानसभा में बना था। उस समय भी 17-18-20 महीना सरकार चलाने के बाद तेजस्वी जी के साथ इन लोगों ने देखा कि हम लोग के पास जनता को गुमराह करने का मॉडल क्या है। तो लालू यादव करप्ट आदमी है, तेजस्वी उसका बच्चा इसलिए करप्ट है, जंगल राज है, हैं। लेकिन अगर 5 साल 2015 से 20 साल तक नीतीश जी पलटी नहीं मार करके, नीतीश जी पलटी मारे हैं ना, तेजस्वी नहीं मारा है, गठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी, अगर ये पलटी नहीं मारती तो भाजपा के पास और नीतीश के पास आज 2025 में या 2021-20 में मुद्दा क्या होता। इन लोगों ने सारा बात 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता के सामने दो ही मुद्दा मोदी के पास बचा हुआ था, अमित शाह के पास बचा हुआ था और नीतीश कुमार के पास बचा हुआ था, क्या चोर जंगल राज, ये वो, इसके सिवाय लोग कोई मुद्दा, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ने देश मुद्दा इस, वो, अभी तो बोल रहे हैं। अरे भाई पांच साल अगर साथ में, यही तो कारण है ना, 5 साल ये लोग तेजस्वी को नीतीश जी साथ में नहीं रखना चाह रहे, यही कारण है कि 5 साल में जनता जान जाएगी कि ये जंगल राज वाला सरकार नहीं है तो मंगल राज वाला सरकार है। 17 साल बनाम 17 महीने में जनता समझ गई है। नीतीश कुमार अगर खुश होते तो वो क्यों बोलते हैं कि भ्रष्टाचार राजस्व विभाग में अपने घोटाला कर। सुनिए नीतीश जी का बिहार में अगर सच पूछे ना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर नीतीश का अस्तित्व होता ना तो भाजपा ने लात मारा तो राजद में आए, राजद ने लात मारा तो भाजपा में गए, अकेले चुनाव लड़के दिखाए। करेक्शन कीजिए, नीतीश कुमार अपनी मर्जी से गए हैं। नहीं ना? मर्जी से गए। अरे ईडी के दर से गए हैं। कहने का मतलब है कि उनका क्या नाम है नीतीश, आप लोग हैं यही सत्ता बदलने से पहले आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और कह रहे थे नीतीश कुमार हमारे साथ है, नीतीश कुमार खेल कर। नीतीश कुमार कोई खेला नहीं करते हैं, वो 40 सीट 45 जो उनके पास है ना वो खेला करती है। अगर नीतीश में हिम्मत है तो अकेला चुनाव लड़के देख लें, भाजपा ने 2015 में अकेला चुनाव लड़ा था, 45 सीट पर सिमट गई थी। ये भाजपा और मोदी और अमित शाह की 2015 की लहर की औकात थी, ये लहर की औकात थी 2015 में बिहार में जो चुनाव हुए थे, 2014 में मोदी आया था ना भारत की सत्ता में, लहर कहाँ गायब हो गई थी। कल क्या होगा, कल देखिए, कल खेला होगा हमें मानते हैं, उम्मीद पर दुनिया का होगा। 10 विधायक जदयू से ही टूटेंगे, देशद्रोही मोदी के पार्टी से कोई विधायक टूटने वाला नहीं है, वो देशद्रोहियों की पार्टी है। चाहे वो महात्मा गांधी को मारने की बात हो या आज की बात हो, वो देशद्रोही है तो है। आपको अपना विधायक टूटने का डर है इसलिए आप एक नहीं सरकार देखिए, पलटू राम फिर पलटू मार देंगे ना भाजपा से तोड़ोगे तो एक जगह बना रहेगा। बीजेपी आरजेडी समर्थक है तमाम लोग और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए, और सुबह से लेकर के शाम हो गई है, लेकिन तमाम जो आरजेडी कार्यकर्ता है वो अभी भी यहाँ पर एकजुट होकर के खड़े हैं, बाहर में इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से कुछ अपडेट्स मिले और इन
सारी जो सिचुएशंस चल रही है अभी बिहार की सियासत में उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर के कितना ज्यादा गुस्से में थे, ये आपने देखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।